सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग बनाएंगे ओरिगामी पेपर एनवलप। तो हम मिनी एनवलप बनाएंगे। तो आज है पीच क्राफ्ट और आज है डे 7। सो 3 मोर डेज देन हमारा 10 डेज क्राफ्टिंग चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर एक पीच पेपर लिया है अभी, क्योंकि A4 साइज पेपर है तो हमें इसे प्रॉपर स्क्वायर में करना है। तो मैंने इसे इस तरह से फोल्ड किया है ताकि एक इक्वल स्क्वायर बन जाए। अभी जो मैंने फोल्ड किया है, जो ये जो रिमेनिंग पार्ट है ना, हमें इसे जस्ट सीजर से कट कर लेना है। तो मैं इसे जल्दी से सीजर से कट कर लेती हूँ। सो आपको एकदम स्ट्रेट कट करना है, आपको जो है टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है, वरना वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा और हमारा एनवलप ज़्यादा अच्छे से नहीं बनेगा। ओके गाइस, अभी मैं इसे उल्टा आगे फोल्ड कर रही हूँ ताकि ये नॉर्मल पेपर बन जाए। अभी देखिए परफेक्ट स्क्वायर हो चुका है। अभी हम इसे हाफ में फोल्ड कर देंगे, प्रॉपर हाफ में। हमें कुछ भी अनइवन साइड्स नहीं छोड़ना है, वरना वो एनवेलप जो है अच्छा बिल्कुल नहीं बनेगा। ओके गाइस, तो मैंने इसे इस तरह से फोल्ड कर लिया हाफ में। अब हम इसे डाउन साइड पर फोल्ड कर लेंगे। इसमें भी आपको अनइवन बिल्कुल नहीं करना। सो मैं इस तरह से इसे बेंड कर रही हूँ कि देखिए प्लस टाइप कुछ जैसा हो जाना चाहिए, 4 पार्टीशन। और ये जो आपको बीच में पॉइंट दिख रहा है ना, ये हमें हेल्प करेगा आगे का क्राफ्ट करने में। तो अभी ये 4 डिविजन्स है ना, इनको हम इस तरह से कॉर्नर तक फोल्ड कर लेना है हमें। तो मैंने एक कर लिया, मैं और भी कर लेती हूँ सारे। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। ये भी एक एनवलप जैसे दिख रहा है, पर ये वाला, ये वो वाला एनवलप नहीं है। हम इस पर कुछ भी ग्लू वगैरह कुछ भी नहीं यूज़ करेंगे इसको बनाने में। अब जो आप पे लाइन दिख रही है ना, अभी इसको खोलने के बाद लाइन तक अगेन आपको एक छोटा सा कॉर्नर फोल्ड कर देना है। तो मैंने इसे फर्स्ट साइड कर दिया, मैं सेकेंड साइड कर रही हूँ। तो इस तरह से आपको सारे साइड्स को इस तरह से फोल्ड कर लिया है। आपने एक भी पार्ट अगर मिस किया तो फिर वो आके अच्छे से नहीं बनेगा। तो अभी मैं इसे कुछ इस तरह से क्लोज कर रही हूँ। आपको वापस ओपन नहीं करना, आपको सीधा क्लोज कर लेना है अभी। आपके स्क्वायर शेप में नहीं, अभी आपके आइज के हिसाब से आपको, आपको जैसा दिख रहा है आपको डायमंड शेप में दिखना चाहिए। अगेन ये पॉइंट हमें वापस हमें हेल्प करेगा। तो अगेन इस पॉइंट तक हम इन सबको फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से आपको फोल्ड करना है। आपको इस वीडियो का एक भी पॉइंट मिस मत करना, वरना वो आपका एनवलप बिल्कुल नहीं बनेगा। सो ये हो चुका है हमारा, हमने इस तरह से फोल्ड कर दिया है। अभी हम दो साइड लेंगे। अब जैसे मैं ये दो कर रही हूँ तो ये दो यूज़ करूँगी। हमें दो साइड्स को ऐसे ही रहने देना है और बाकी दो साइड्स यूज़ करना है। अब इस तरह से हमें इस पॉइंट तक अगेन फोल्ड करना है। अब देन हमें इस तरह से भी फोल्ड कर देंगे। इससे हमें फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है बाकी दो साइड्स को। एंड देन गाइस, मैं और ज़्यादा फोल्ड कर रही हूँ इसे। अगर आप एकदम प्रॉपर नहीं आया तो कोई नहीं, मेरा भी प्रॉपर नहीं आया है, वो भी चलता है। प्रॉपर आए कि नहीं आए उसमें कोई नहीं। अगर ये दोनों साइड्स छो होते हैं, हमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है ज़्यादा ऐसे। तो अभी जो सेकंड है ना, इस तरह से आपको फोल्ड करना है। एंड देन आपको लास्ट का इस तरह से फोल्ड कर देना है। एंड बस हमारा एनवलप रेडी है, बस हमें इस तरह से इन्हें फोल्ड करना है। और ये दोनों छो फोल्ड होते हैं, अगर ये दोनों फोल्ड होंगे तो ही हमारा बनेगा। तो मैंने इसे सेकेंड पॉइंट से इसे फोल्ड कर लिया। थर्ड पॉइंट से करेंगे तो नहीं होगा, ये सेकेंड पॉइंट से करना है, सेकेंड मार्क। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे एंड देन क्लोज करने के लिए हम पीछे से इस तरह से करेंगे। तो हमारा एनवलप बिल्कुल रेडी है। तो मैं आपको बताती हूँ इसे यूज़ कैसे करना है। जस्ट आपको क्या करना है, इसे खोलना है, ओपन करना है एंड देन आप इधर लेटर रख सकते हो अपना।
तो फिलहाल मैं ये जो पेपर बच गया था तो मैं उससे एक लिखती थी कुछ उस पर। ओके, तो मैंने इसे काट लिया एंड देन मैं इस पर मेरे कैमलिन के क्लिक पेन पेंसिल से क्या कर रही हूँ, वो लिख कुछ लिख लेती हूँ मैं। तो मैं इस पर लिख रही हूँ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। सो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर आपको ऐसी अमेजिंग वीडियो चाहिए तो फिर बेल आइकन ऑन कर देना, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी कि मेरा नया वीडियो आया है कि नहीं। एंड ऑल्सो शेयर माई वीडियोज़। सो मैंने इस तरह से इसे लाइक के बाद लाइक का लोगो लगा दिया, सब्सक्राइब के बाद यूट्यूब का लोगो लगा दिया एंड शेयर के बाद शेयर का लोगो लगा दिया। अभी जस्ट थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए मैं जस्ट क्या करूँगी ना, जो है उस पर कलर कर दूँगी। तो मैंने ये लिया है मेरे फ्लेयर के कलर पेंस। तो ये देखिए मैंने इसे कलर भी कर दिया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना इस वीडियो को एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर दीज अमेजिंग वीडियोज़। So I'll meet you in the next video. Till then, take care everybody and bye.